हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं Realme X2 Pro की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है और ये स्मार्टफोन नवंबर में इंडिया में लॉन्च होगा, तो इसलिए मैं करूंगा आज अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स, ये बॉक्स मैंने चाइना से इम्पोर्ट करा है। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा इसके अंदर बॉक्स मिल जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, हर स्मार्टफोन में भी इसमें भी आपको कीस मिलेगा अंदर। यहाँ पर कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं आपको, और ये कीस आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। बार आपको काफ़ी मजबूत कीस दिया गया है स्मोक कलर का। चाइना में ये स्मोक कलर का देते हैं और इंडिया में पता नहीं ट्रांसपेरेंट क्यों। तो ये अपने फ़ोन को साइड में रख देते हैं फिलहाल निकाल कर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर है हमारे पास, USB केबल, इस पर टाइप सी है। जी हाँ, वो फास्ट चार्जर है, 25 या फिर आप 20 वॉट का कह सकते हैं इसे। ये हमारे पास हमारा फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की शाइन आ रही है, यहाँ पर Realme लिखा है और बिल्कुल प्रीमियम यहाँ पर आपको क्वालिटी मिल जाती है Realme X2 Pro में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे चार कैमरा दिए गए हैं जो कि बहुत कूल लगते हैं। डायमंड का डिज़ाइन नहीं दिया गया है इस बार, आपको बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन दिया गया है। साइड में छोटा सा 64 मेगापिक्सल भी लिखा गया है यहाँ पर। और मेन कैमरा पर यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का सर्कल लगा दिया गया है, जो कि दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है आपने 50-60 हज़ार का फ़ोन पकड़ा हुआ है। ऊपर आपको यहाँ पर छोटी सी नोच दी गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे रियल में लिखा गया पर इस बार कैमरा के साइड में। और नीचे आपको यहाँ पर टाइप सी और अपना USB पोर्ट मिल जाएगा और कई सारी चीज़ें। ऊपर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी एक छोटी सी नॉच के साथ। साइड में वॉल्यूम लॉकर मिल जाएंगे, और अगली साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा राइट साइड में इस फ़ोन के। और बैक में मैंने आपको जैसे बता दिया चार कैमरे मिलते हैं। जी हाँ, चार। फ्रंट में सुपर एमोलेड यहाँ पर स्क्रीन मिलती है 6.5 इंचेस की, और ये कलर ओएस पे रन करता है जैसे मैंने आपको बताया है। और ये हमारे स्मार्टफोन पर रन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूइंग एंगल्स बहुत खतरनाक है, मतलब गदर कह सकते हैं देसी भाषा में। यहाँ पर मैं टिकटॉक देख रहा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो रही है। मैंने कई सारे गेम ट्राई करे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पबजी खेल रहा हूँ, इसमें स्मूथ चलता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको दिया गया है। बिल्कुल भी लैग नहीं देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप पबजी खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं आप इस गेम को, आपको बिल्कुल भी मतलब ब्लैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में बिल्कुल बैटल्स आपको 90% कम मिल जाती हैं आप और फोन से कंपेयर करें, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत कम है इसकी। बैक में आपको चार कैमरा मिलते हैं 64+8+2+2 मेगापिक्सल के, और इसका कैमरा मैंने टेस्ट करा बहुत ही बढ़िया है। और रेडमी नोट 8 प्रो और इसका कैमरा बिल्कुल लगभग आप सेम ही कह सकते हैं। आपको माइक्रो शॉट लेने का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट HDR का सपोर्ट मिलता है, स्लो मोशन वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले कैम वो दिया गया है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इस बार Realme ने इसमें कलर OS 7 दिया है, मतलब जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, तो अपडेट्स में रेगुलर मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पबजी बिल्कुल अल्ट्रा HD में खेल सकते हैं और लैग फ्री है ये। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है कि फ़ोन कैसा है। तो परफॉर्मेंस के मामले में Realme को थम्स अप।